हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ फॉर गम रिसेशन। हम होम रेमेडीज़ गम रिसेशन में क्या क्या दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था गम रिसेशन के बारे में, उसका रीज़न क्या होता है, उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और वो उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट्स हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गम रिसेशन में क्या क्या होम रेमेडीज़ हम दे सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम रेमेडीज़ के बारे में, यानी हम क्या क्या अपने घर पे ही इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं और इस कंडीशन को घर पे ही कैसे ठीक किया जा सकता है। लेकिन होम रेमेडीज़ बताने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगी, ये जितने भी होम रेमेडीज़ हैं वो सब याद रखें आपकी अर्ली स्टेज में ही काम करती हैं। अर्ली स्टेज यानी कि गम रिसेशन को हुए कुछ ही समय हुआ हो, अगर कंडीशन सीवियर हो तो उस कंडीशन में फिर डेंटिस्ट को ही रिकमेंड करना चाहिए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सो अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। सो फर्स्ट, जैसा कि पहले गम रिसेशन में बताया था कि जो पहला रीज़न है वो है ब्रशिंग सही समय पर ना करना। ब्रशिंग सही समय पर ना करना एक बड़ा रीज़न होता है, इसलिए ब्रशिंग सही समय पर करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ब्रशिंग को सही समय पर करना चाहिए, इससे जितने भी हमारे गम्स और दांतों के बीच में फूड पार्टिकल्स और डेब्रिस इकट्ठा होते हैं, जमा होने लगते हैं, वो सब अच्छी तरीके से निकल जाते हैं और ये समस्या सही समय पर ठीक हो जाती है, आगे नहीं बढ़ती है। फिर आता है ब्रशिंग टेक्निक। ब्रशिंग टेक्निक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रशिंग टेक्निक बहुत ज़रूरी है, सही टेक्निक से करना ब्रश। ब्रशिंग बहुत हार्ड कभी भी नहीं करनी चाहिए, हमेशा सॉफ्ट जेंटल ब्रश करना चाहिए। दूसरा है कि ब्रश बहुत हॉरिजेंटल नहीं, सर्कुलर मोशन पे करना है। ब्रश करने के बाद फिर बात करते हैं, इसे ब्रश करने के बाद आप अपनी फिंगर्स की हेल्प से जहाँ मसूड़ों में गम्स में अच्छे तरीके से जेंटली मसाज करना है, जेंटली ही मसाज करना है। अगर जो आप अपने ऊपर के दांतों के लिए ये मसाज कर रहे हैं तो मसाज जो है वो नीचे की तरफ करनी है, अगर जो ऊपर के दांतों के लिए कर रहे हैं तो मसाज जो है वो नीचे की तरफ करनी है। फिर बात करते हैं ऑयल पुलिंग की। ऑयल पुलिंग बहुत इफेक्टिव मेथड है, जैसे कि मैंने आपको एक अपने वीडियो में बताया है ऑयल पुलिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं, इसे कैसे करना है, पूरी फुल डिटेल में बताया है। ऑयल पुलिंग के लिए आपको सिसमें ऑयल वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसे आप 5 से 10 मिनट के लिए अपने मुँह पर रखें, फिर कुल्ला कर दें। कुल्ला करने के बाद आप ब्रश या गर्म पानी से गार्गल कर लें। फिर बात करते हैं और हल्दी की, यानी टर्मरिक, ये बहुत इफेक्टिव होती है। हल्दी जो होती है उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके कई फ़ायदे होते हैं। जहाँ पर गम रिसेशन हो रहा हो वहाँ पर हल्दी में पानी मिलाकर उस जगह पर लगाने से ये ठीक हो जाता है। फिर बात करते हैं, नेक्स्ट है होम रेमेडीज में एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी बहुत इफेक्टिव है, मोस्टली प्रेफर करें जितना नेचुरल एलोवेरा जेल हो उतना इफेक्टिव होता है। जहाँ पर भी गम रिसेशन हो वहाँ पर इसे लगा देना है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, न्यूट्रिशन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जो कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसका वेस्ट रिजल्ट तभी मिलता है जब हम अंदर से भी हेल्दी हों। इसलिए अगर जो हमारे न्यूट्रिशन पे विटामिन ए और सी की कमी है तो उसे भी हमें ध्यान में रखना है और उसे लेना है, ताकि हमें न्यूट्रिशन हमारा अच्छा रहे, ताकि जो भी हम प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं उसका हमें इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट अच्छा मिले। नेक्स्ट है रिंस विद वॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। वॉर्म वाटर एंड सॉल्ट, आप इसमें लिक वॉर्म वाटर और गर्म पानी ले सकते हैं। गर्म पानी में फिर आपको नमक मिलाना है, नमक के साथ फिर इसे कुल्ला कर देना है। इससे जितने भी जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हमारे मुंह में प्रेजेंट होते हैं वो सब अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं और निकल जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखने की है कि ये सारी जो मेथड्स हैं, जितनी भी होम रेमेडीज़ हैं, ये सब सिर्फ इफ़ेक्टिव हैं अर्ली स्टेज में। अगर जो अर्ली स्टेज में गम रिसेशन है, यानी गम रिसेशन को हुए कुछ ही समय हुआ है, तो ये होम रेमेडीज़ बहुत इफ़ेक्टिव हैं और अच्छा काम करती हैं। लेकिन अगर जो सीवियर कंडीशन हो और गम रिसेशन को बहुत टाइम हो चुका हो तो फिर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ही कराना चाहिए,